हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं दो पोकेमोन को ट्रैकर के बीच में कंपैरिजन करूंगा। कौन सा वाला ज़्यादा बेहतर है, कौन हमें सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है, एकदम एक्यूरेट पोकेमोन के कोऑर्डिनेट्स कौन हमें काफ़ी अच्छी तरह से देता है। यहाँ पर मैं जो पोकेमोन को ट्रैकर का यूज़ करने वाला हूँ उनका नाम है, एक है NYC पोकेमैप और दूसरा है वी कैच। ये दोनों पोकेमोन को ट्रैकर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं प्लेयर्स के बीच में। प्लेयर इन ट्रैकर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं पोकेमोन को ट्रैक करने के लिए, एकदम रेयर रेयर पावरफुल पोकेमोन को ट्रैक करने के लिए। तो इन दोनों ट्रैकर में से कौन सा वाला एक्चुअल में ज़्यादा बेहतर है, कौन हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है और कौन सबसे ज़्यादा सेफ़ है, इन टॉपिक्स को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसके बारे में जानने के लिए वीडियो पूरी तरह से लास्ट तक देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं NYC पोकेमैप के बारे में। उसके लिए आप लोगों को अपने ब्राउजर में जाना है, यहाँ पर सर्च कर लीजिए nycpokemap.com, फिर यहाँ पर इसका वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को फिल्टर में जाना है, फिर यहाँ पर आप लोगों को सारे पोकेमोन के नाम यहाँ मिल जाएंगे। आप लोग जो भी पोकेमोन को सर्च करना चाहते हैं बस उसका नाम यहाँ पर सर्च कर लीजिए, उसे टिक कर दीजिए, फिर आप लोगों को वो पोकेमोन मैप में दिख जाएगा। अगर वो उस लोकेशन में अवेलेबल है तो फिर वो आप लोगों को मैप में जरूर दिखेगा। अगर आप लोगों को मैप में कहीं भी वो पोकेमोन नहीं दिख रहा है तो आप लोगों को थोड़ा देर बाद फिर से सर्च करना है, फिर आप लोगों को पोकेमोन जरूर मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग पोकेमोन के आईवी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग मिनिमम आईवी का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप लोग अपने हिसाब से आईवी के परसेंटेज को लिख दीजिए, आप लोग यहाँ पर कितना भी परसेंटेज लिख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर 80 लिख देता हूँ। यहाँ पर जितने भी पोकेमोन जिनका आईवी 80 से अबव रहेगा वो सारे आप लोगों को मैप में फेस दी जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग अपने हिसाब से पोकेमोन के आईवी को सेलेक्ट कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा आईवी वाले पोकेमोन बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत मुश्किल से एकदम पावरफुल आईवी वाला पोकेमोन मिलता है। तो मैप में आप लोगों को बहुत ही कम ही बहुत ही पावरफुल आईवी वाले पोकेमोन मिलेंगे। जितना ज़्यादा आप लोग यहाँ पर आईवी को कम रखेंगे उतना ज़्यादा आप लोग यहाँ पर पोकेमोन के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और पोकेमोन को ट्रैक करने के लिए आप लोगों को किसी पोकेमोन के ऊपर टैप करना होगा, फिर वहाँ पर आप लोगों को मैप का ऑप्शन मिलेगा, उसमें प्रेस कर दीजिए, फिर आप लोगों का गूगल मैप खुल जाएगा। यहाँ से कोऑर्डिनेट को कॉपी कर लीजिए, फिर अपने पीजी साहब में चल जाइए, यहाँ पर टेलीपोर्ट वाले ऑप्शन में चल जाइए, फिर यहाँ पर कोऑर्डिनेट को पेस्ट कर दीजिए। अगर आप लोग इम्यूलेटर का यूज़ कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर Ctrl+V दबा दीजिए, उससे आपका कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा। फिर ओके दबा के आप लोग उस लोकेशन में पहुँच जाएंगे। तो इसी तरह से आप लोग यहाँ पर पोकेमोन को ट्रैक कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, आसानी से आप लोग पोकेमोन को ट्रैक करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और इस वेबसाइट की खास बात यह है कि ये काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट देता है। अगर आप लोग यहाँ पर वेबसाइट में कहीं भी कोई पोकेमोन दिख रहा है, यहाँ पर मतलब 100% चांसेस है कि गेम में आप लोगों को वो पोकेमोन जरूर मिलेगा। आप लोग इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं काफ़ी रेयर पोकेमोन्स को भी ट्रैक करने के लिए, जैसे कि डिट्टो। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम वाली बात यह है कि यहाँ पर अभी डिट्टो काफ़ी ज़्यादा रेयर हो चुका है, आप लोगों को लगभग एक वीक में मुश्किल से एक या दो डिट्टो दिखने वाले हैं। आप लोगों को रोज़ रेगुलर यहाँ पर चेक करते रहना होगा, तब जाके आप लोगों को एक या दो डिट्टो मुश्किल से दिख सकते हैं। इस NYC पोकेमैप में आप लोग सिर्फ न्यूयॉर्क के पोकेमोन को ही ट्रैक कर सकते हैं। इसी की तरह एक और वेबसाइट है जिसका नाम है सिडनी पोकेमैप, ये एकदम सेम NYC पोकेमैप जैसा ही है, बस ये सिडनी के लोकेशन को ट्रैक करता है। मतलब सिडनी के सारे पोकेमोन को आप लोग इस वेबसाइट के थ्रू आसानी से ट्रैक कर पाएंगे। और इस वेबसाइट में आप लोगों को एक और ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पर आप लोग पोकेमोन के जनरेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग जनरेशन का एक टैब मिलता है, वहाँ पर प्रेस करके आप लोग कोई भी अपने पोकेमोन के जनरेशन को सेलेक्ट कर दीजिएगा। वहाँ पर आप लोग उसी जनरेशन के सारे पोकेमोन आप लोगों को लिस्ट में दिख जाएंगे। आप लोग फिर अपने हिसाब से किसी भी पोकेमोन को सेलेक्ट कर दीजिए, फिर आप लोगों को मैप में उस पोकेमोन का लोकेशन दिख जाएगा। फिर आप लोग आसानी से उस पोकेमोन के कोऑर्डिनेट्स को कॉपी कर सकते हैं और उसे आसानी से कैच कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बेहतर वेबसाइट है, आप लोगों को यूज़ करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। लेकिन इस वेबसाइट में एक प्रॉब्लम है, अगर आप लोग एक साथ ढेर सारे पोकेमोन को सेलेक्ट कर देंगे तो फिर आप लोगों का वेबसाइट पूरी तरह से क्रैश हो जाता है, मतलब एकदम अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, कुछ भी आप लोग फिर यहाँ नहीं कर पाएंगे, पूरा आप लोगों का सिस्टम लैग करने लगेगा। तो आप लोग गलती से भी यहाँ पर सारे पोकेमोन को एक साथ सेलेक्ट मत कीजिएगा, यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन मिलता है, गलती से भी बस आप लोगों को वहाँ पर प्रेस नहीं करना है, नहीं तो आप लोगों का वेबसाइट पूरी तरह से लैग हो जाएगा। बाकी वेबसाइट पूरी तरह से सेफ है, आप लोगों का कुछ भी इसमें परमिशन नहीं मांगता है, आप लोग आसानी से वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे सारे डिटेल्स NYC पोकेमैप से रिलेटेड। अब बात करते हैं हम लोग वी कैच के बारे में। तो वी कैच को आप लोगों को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जाना होगा अपने ब्राउज़र में, फिर यहाँ पर सर्च कर लीजिए वी कैच, फिर सबसे पहला वेबसाइट आप लोगों को GitHub का मिल जाएगा, उसमें प्रेस कर दीजिए, फिर यहाँ पर आप लोगों को नीचे उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा एसेट्स के अंदर, उसके APK में प्रेस करते आप लोगों का डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। बस 5 MB का लगभग ये फाइल रहता है। तो इसे डाउनलोड करने के बाद जैसे मैंने इसे इंस्टॉल करने का ट्राई किया तो तुरंत मेरे एंटीवायरस ने इसे डिलीट कर दिया। तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि वी कैच ऐप के अंदर वायरस है, या फिर मैं और डिटेल से कहूँ तो वी कैच ऐप ही एक वायरस है। तो आप लोग अपने रिस्क पे इस ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा। अब मुझे इस ऐप को इंस्टॉल करना है तो इसलिए मुझे सबसे पहले अपने एंटीवायरस को बंद करना होगा, उसके बाद ही मैं वी कैच को इंस्टॉल कर पाऊँगा। अब एंटीवायरस ऑफ करने के बाद मुझे इसे बस इंस्टॉल कर देना है, अब मैं इसे आसानी से यूज़ कर सकता हूँ।
एक बार जब वी कैश इंस्टॉल हो जाएगा फिर आप लोग अपने एंटीवायरस को आसानी से ऑन कर सकते हैं। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो ये इमुलेटर के अंदर आ जाएगा, उसके बाद एंटीवायरस उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, फिर वो उसे डिलीट भी नहीं करेगा। अब मैं आप लोगों को वी कैश को ऑन करके दिखाता हूँ। हम लोग इसे एक अलग से विंडो में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस आप लोग इसे ड्रैग करके अलग से विंडो में कन्वर्ट कर लेना है। और पोकेमोन गो को भी हम लोग दूसरे विंडो में ऑन कर लेते हैं। वी कैश ऐप में आप लोगों को लोकेशन सर्च करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, इसलिए आप लोगों को लोकेशन चेंज करने के लिए यहाँ पर जूम इन जूम आउट करके वहाँ तक जाना पड़ेगा। जैसे कि मेरा लोकेशन अभी न्यूयॉर्क में है, तो मैं न्यूयॉर्क तक जूम इन जूम आउट करके वहाँ तक जा सकता हूँ। तो अपने लोकेशन में पहुँचने के बाद यहाँ पर आप लोगों को राइट डाउन साइड कॉर्नर में एक GPS का ऑप्शन मिलता है, उसमें प्रेस कर दीजिए। जब आप लोग पूरा जूम आउट करके यहाँ पर GPS में प्रेस करेंगे तो फिर आप लोगों को मैप में सिर्फ एकदम हाई लेवल पोकेमोन ही दिखेंगे, मतलब वही पोकेमोन दिखेंगे जिनका IV काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा, या फिर वही पोकेमोन जो काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं वो सारे आप लोगों को सिर्फ मैप में दिखेंगे। आप लोग जो भी पोकेमोन कैच करना चाहते हैं बस आप लोग उस पोकेमोन के ऊपर टैप कर देना है, फिर यहाँ पर उसके आप लोगों को सारे पोकेमोन के डिटेल्स उसके ऊपर दिख जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर ड्रैगनाइट को यहाँ पर कैच करके दिखाता हूँ। मैं ड्रैगनाइट के ऊपर टैप कर दूंगा, सारे डिटेल्स वहाँ दिख जाएंगे, उसमें टैप करना है आपको, यहाँ कॉपी कोऑर्डिनेट में प्रेस करना है, फिर जाना पी साहब के टेलीपोर्ट वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पर मेन ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ से कोऑर्डिनेट को कॉपी किया, लेकिन जब मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट को पेस्ट करने गया पीजी साहब में, वो ऑटोमेटिकली पहले से पेस्ट हो गया। तो इससे हमें यह भी कंक्लूजन मिलता है कि वी कैच का हमारे सिस्टम के ऊपर कुछ ज़्यादा एक्सेस है, वो भी बिना हमारे परमिशन के। मतलब वी कैच ऐप बिना हमारे परमिशन के हमारे सिस्टम के फीचर्स के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। और वी कैच ऐप की सबसे खास बात यह है कि इसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, मतलब कोई भी इसे काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकता है। यहाँ पर पोकेमोन को ट्रैक करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, और सबसे खास बात है कि यहाँ पर हम लोग एक साथ ढेर सारे पोकेमोन को ट्रैक कर सकते हैं। यही चीज़ अगर हम लोग NYC पोकेमैप से कंपेयर करें तो वहाँ पर ढेर सारे पोकेमोन को एक साथ ट्रैक करने से वेबसाइट लैग होने लगता है, यहाँ पर ढेर सारे पोकेमोन को एक साथ ट्रैक किया जा सकता है, वो भी बिना किसी लैग के एकदम स्मूथली ये वर्क करता है। लेकिन वी कैश ऐप में मैंने एक प्रॉब्लम बहुत बार फेस किया है, यहाँ पर कभी कभार हम लोग को फॉल्स कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं पोकेमोन के, मतलब हम लोग को वी कैश ऐप में पोकेमोन दिख रहा है, लेकिन जब हमने कोऑर्डिनेट को कॉपी करके हमारे पीसा में पेस्ट किया, हम लोग जब गेम में वहाँ पर गए तो वहाँ पर हमें वो पोकेमोन नहीं मिलता है। ये समझ लीजिए 80% वर्क करता है और 20% वर्क नहीं भी करता है। ये हमें कभी कभार हमें गलत कोऑर्डिनेट्स दे देता है या फिर हमें फॉल्स कोऑर्डिनेट्स दे देता है, जो पोकेमोन एक्चुअल में उस लोकेशन में है नहीं, उस पोकेमोन के हमें कोऑर्डिनेट्स दे देता है वी कैश ऐप। तो ये भी एक काफ़ी गलत चीज़ है जो वी कैच ऐप में होती है कभी पर, लेकिन ये बहुत ही रेयरली होता है, ज़्यादातर हम लोग को सही कोऑर्डिनेट्स ही मिल जाते हैं पोकेमोन के। लेकिन जब ये होता है तो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है, हम लोग टेलीपोर्ट करते हैं लेकिन हमें वहाँ पर पोकेमोन नहीं मिलता है। और वी कैच ऐप कम्युनिटी डे के टाइम बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, वहाँ पर हम लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन को एकदम आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। डायरेक्टली हम लोग को 100 IV वाले पोकेमोन एकदम स्क्रीन में दिख जाएंगे, बस उसे कोऑर्डिनेट्स को कॉपी करो, गेम में जाओ और पोकेमोन को कैच कर लो। यहाँ पर अगर NYC पोकेमैप में अगर हम लोग कम्युनिटी डे के टाइम पोकेमोन को ट्रैक करेंगे तो यहाँ पर पूरा मैप का स्क्रीन भर जाता है पोकेमोन से, तो काफ़ी ज़्यादा लैग करने लगता है वेबसाइट उसके कारण, तो वहाँ पर पोकेमोन को ट्रैक करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पर वी कैच इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल करता है, स्मूथली ये वर्क करता है पोकेमोन को ट्रैक करने के टाइम। और अगर आप लोगों को वी कैच ऐप में किसी पर्टिकुलर लोकेशन में अगर आप लोगों को पोकेमोन को ट्रैक करना है, तो यहाँ पर आप लोगों को उस लोकेशन में जितना हो सके उतना ज़्यादा जूम इन करना होगा, फिर यहाँ पर आप लोगों को GPS वाला जो ऑप्शन है उसमें प्रेस कर देना होगा, उससे आप लोगों को उस लोकेशन के सारे पोकेमोन मैप में दिख जाएंगे। और ये वी कैच ऐप हर एक लोकेशन में वर्क नहीं करता है, सिर्फ पॉपुलर सिटीज़ जैसे कि सिडनी, न्यूयॉर्क जैसे सिटीज़ में ही वर्क करता है, इसे आप लोग हर एक लोकेशन में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग चाहे तो याद रख सकते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को याद रखना होगा, जब भी आप लोग टेलीपोर्ट करेंगे, चाहे वो NYC पोकेमैप हो या फिर वी कैच ऐप हो, जब भी आप लोग टेलीपोर्ट करेंगे सबसे पहले आपने आसपास से किसी एक पोकेस्टॉप को आप लोग स्पिन करके देखना होगा। अगर वो पोकेस्टॉप स्पिन हो रहा है मतलब आप लोग सॉफ्टवेयर नहीं लगा है, फिर आप लोग आसानी से पोकेमोन को कैच कर सकते हैं। अगर वो पोकेस्टॉप स्पिन नहीं हो रहा है मतलब आप लोग सॉफ्टवेयर लग चुका है, आप लोग बस थोड़ा सा वेट करना है 5-10 मिनट तक, फिर आप लोग अनबैन हो जाएंगे, फिर आप लोग सॉफ्टवेयर पूरी तरह से हट जाएगा, फिर आप लोग आसानी से पोकेमोन को कैच कर पाएंगे। तो अब बात आती है कंक्लूजन की, कौन सा वाला पोकेमोन ट्रैकर ज़्यादा बेहतर है, कौन सा ज़्यादा सिक्योर है और कौन सा ज़्यादा हमें एक्यूरेट रिजल्ट देता है पोकेमोन से रिलेटेड। तो मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन दे तो मुझे पोकेमोन ट्रैकिंग के लिए NYC पोकेमैप काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वहाँ पोकेमोन ट्रैक करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो एकदम सिक्योर है, वो आपसे किसी भी तरह का परमिशन नहीं लेता है, वहाँ पर हम आसानी से पोकेमोन को ट्रैक कर सकते हैं। बस वहाँ पर एक साथ ढेर सारे पोकेमोन को ट्रैक करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, इसी चीज़ के लिए मुझे NYC पोकेमैप काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगता है। तो ये था मेरा कंपैरिजन वी कैच ऐप और NYC पोकेमैप से रिलेटेड। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चल जाएगा, वहाँ पर मेरा टेलीग्राम चैनल और डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को जानना है मैं अपने कंप्यूटर में कैसे पोकेमोन गो को खेल रहा हूँ तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना कर रखा है, आप लोग चाहे तो हमारे चैनल में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं।
तो आपकी क्या राय है इन दोनों ट्रैकर से रिलेटेड, आपको कौन सा वाला पोकेमोन ट्रैकर ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।